पीएचपी फाइल अपलोड की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप पीएचपी से सर्वर पे, वेब सर्वर पे या और किसी लोकेशन पे आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत काम आता है। तो उसके लिए आप एक अपलोड फाइल फॉर्म बना सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि ये एचटीएमएल बॉडी तो आप खैर समझते हैं, अब फॉर्म पे आ जाते हैं। फॉर्म का एक्शन है अपलोड फाइल डॉट पीएचपी, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करनी चाहिए और इसमें कॉन्टेंट लिखा होना चाहिए। मेथड है पोस्ट, आप गेट भी यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब ईएनसी टाइप, ये इनकोडिंग टाइप जो है, ये इसमें मल्टी पार्ट है और फॉर्म डेटा है। अब हम क्या करेंगे यहां पर, जैसे हम दिखाना चाहते हैं कि यहां फाइल है, तो हम यहां फाइल यूज करने के लिए हम यहां लेबल लिख दें। लेबल कुछ नहीं होता है, कुछ ये एक कॉन्टेंट लिखना है या आपको एक छोटा सा वर्ड लिखना है, उसके लिए आप लेबल यूज करते हैं। तो यहां पर ये लेबल में के ऊपर आप ये फाइल लिख के आएगा, एक लेबल बनेगा, उसमें फाइल लिख के आएगा, फाइल नेम लिख के आएगा, और लेबल जो होगा वो हमारे फाइल के लिए होगा। लेबल को बंद कर देंगे। उसके बाद इनपुट टाइप, ये इंपॉर्टेंट है, इनपुट टाइप जो है इसमें फाइल आएगी। नेम आप फाइल दे सकते हैं, आईडी इसकी फाइल है, एक ब्रेक दे दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे सबमिट बटन। सबमिट बटन तो खैर फॉर्म में हमेशा सबमिट बटन लास्ट में आती है, सबमिट है, सेव है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेम इसका सबमिट है, वैल्यू इसका सबमिट है। तो ये फॉर्म हम बनाएंगे, इस फॉर्म से आप देखेंगे जैसे ये चलेगा इसमें तो आप फाइल अपलोड कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपका जो डॉट पीएचपी आपने इंक्लूड कर रखी है वो होनी चाहिए। तो जो ईएनसी टाइप आपने एट्रीब्यूट देखा इस फॉर्म टैग में, ये क्या बताता है? ये बताता है कि कौन सा कॉन्टेंट टाइप आप यूज करेंगे सबमिट करते समय फॉर्म को, मल्टीपार्ट है या फॉर्म डेटा है। ये आपने यूज किया जब फॉर्म चाहता है बाइनरी डेटा, जैसे कि कंटेंट्स जो फाइल है जो आपको अपलोड करने हैं, जो अपलोड होने हैं, और जो फाइल एट्रीब्यूट है जो इनपुट में आपने देखा, ये टैग आपको बताता है इनपुट इसको प्रोसेस करना है एज अ फाइल, एक फाइल की तरह, जैसे टेक्स्ट फाइल बनाते हैं ना आप, जैसे इमेज फाइल होती है, उस तरीके से इसको ट्रीट करना है। जैसे जब ये ब्राउजर में देखा जाएगा तो एक ब्राउज बटन मिलेगा आपको नेक्स्ट इनपुट फील्ड में, अपने आप देखिएगा जब मैं एग्जांपल को इसको चला के दिखाऊंगा आपको, तो अपने आप एक ब्राउज बटन देखेंगे जिससे आपका फोल्डर खुलेगा, वहां से आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, फाइल को लेके सबमिट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि अपलोड फाइल कराना एक सिक्योरिटी रिस्क है, तो अगर आपके रिक्वायरमेंट में, आपके एप्लीकेशन में बहुत जरूरत है इस चीज की, तभी आप ये फंक्शनैलिटी यूज करेंगे। अब ये जो अपलोड फाइल डॉट पीएचपी आपने देखी थी उस कोड में, अब इसको बनाने का समय आ गया है। इसमें हम क्या करेंगे, पीएचपी में हमने यहां कहा इफ डॉलर फाइल्स, ये फाइल है, ये कोई अगर इसमें एरर नहीं है, अगर एरर आती है क्योंकि ये ग्रेटर देन जीरो है, तो आप यहां बताइए देखिए साहब एरर है अभी इसमें, क्योंकि अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो एरर चेक करे। तो ये फाइल में अगर कोई एरर आती है, ओपनिंग एरर आती है, तो आप बताएंगे देखिए साहब ये एरर है, अब वो एरर टाइप आप उसको प्रिंट कराएंगे, बकायदा इको कराएंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे अपलोड ये इको कराएंगे। यहां पर आपके फाइल्स, जो फाइल का नाम, उसके बाद जो टाइप होगी वो आपको टाइप दिखाई देगा, साइज इसकी जो भी आपकी बाइट है उसको आप 1024 से डिवाइड करके केबी में बता सकते हैं, उसका साइज दिखा सकते हैं, और फिर इसके बाद बताएंगे स्टोर्ड इन, कहां पर इसका टेम्पररी नेम बताएंगे जो आएगी। अब ये जब चलेगा तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इसको। तो ये जो ग्लोबल पीएचपी के डॉलर अंडरस्कोर फाइल एरे, पीएचपी का जो डॉलर अंडरस्कोर फाइल एरे है, इसका उपयोग करके आप अपलोड कर सकते हैं फाइल अपने क्लाइंट सर्वर से किसी भी रिमोट सर्वर तक। जो पहला पैरामीटर आपने इसमें देखा, अभी अलग अलग चीज आपने देखी इसमें, फिर से देख लीजिए यहां जो देख रहे हैं आप, ये जो चार चीजें इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। जो पहला पैरामीटर है जो फॉर्म इनपुट में नाम, लेकिन जो दूसरा है सेकंड इंडेक्स, वो नेम हो सकता है, टाइप हो सकता है, साइज हो सकता है, टेम नेम हो सकता है, और एरर भी देखा हमने, जैसे डॉलर अंडरस्कोर फाइल, इसमें हम फाइल देंगे और साथ में नाम देंगे, ये नाम होगा जो आपको फाइल अपलोड करनी है। फाइल के साथ आप फाइल तो दे ही रहे हैं, साथ में आप टाइप बता रहे हैं किस टाइप की फाइल, आपको जेपीजी करनी है, आपको टीएक्सटी करनी है, आप कौन सी टाइप की फाइल अपलोड करनी है। यहां पर आप साइज बता रहे हैं, साइज जो बाइट्स में होगा, अभी आपने 1024 से डिवीजन देखा उसका, केबी में निकल के आया वो। इसी तरीके से टेम्प नेम, जो नाम टेम्पररी, क्योंकि नाम तो होना चाहिए फाइल का ना कोई, अगर अपलोड कर रहे हैं तो जो नाम है
टेम्पररी कॉपी जो फाइल की स्टोर होगी सर्वर पे, उसे हम टीएमपी अंडरस्कोर नाम, जो भी आप नाम देना चाहेंगे। यहाँ पर एरर की बात हो रही है, जो अभी हमने कई बार देखा, जो जब एरर चेकिंग हुई यहाँ पर, तो एरर कोड ये आपको बताएगा अगर फाइल अपलोड में कोई एरर आती है तो कौन सा एरर यहाँ पर दिखाना चाहिए। तो ये बहुत आसान तरीका अपलोड करने का फाइल का। फिर से मैं आपको ये दोहराना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी रीजन के लिए कारण आप जरूर इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाइए, अलाउ तभी करिए जब बहुत निहायत आपको इसकी जरूरत हो, आवश्यकता हो। तो रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाएंगे, हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस इस स्क्रिप्ट में लगाने वाले हैं और यूजर इसमें केवल .gif या .jpg फाइल डाल सकेगा। आपने देखा होगा जीमेल में आप exe फाइल नहीं भेज सकते, याहू में भेज सकते। जीमेल में अगर exe क्यों नहीं गई, क्योंकि उन्होंने माना कि बहुत सारे जो वायरसेस है उसको उस तरीके से बना के भेजा जा सकता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बना के भेजा जा सकता है। तो इसलिए हम फाइल केवल जिप भेजेंगे या जेपेग भेजेंगे, ये दोनों आपके इमेज फाइल फॉर्मेट है। ये ग्राफिक इंटरचेंज और ये आपका जेपेग, जॉइंट फोटोग्राफर एक्सपर्ट ग्रुप वाला 20 KB के ऊपर फाइल नहीं होगी, साइज भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ PHP के अंदर। इफ यहाँ पर डॉलर फाइल, जो अभी मैंने सबको समझाया फाइल, यहाँ पर फाइल होगी, यहाँ पर टाइप है, तो टाइप आप जिप दे दीजिए, इमेज जिप, टाइप इमेज जेपेग, टाइप इमेज PJPEG, यानी कि जेपेग के जो भी फॉर्मेट है, क्योंकि जिप तो एक ही होती है, जेपेग के अलग अलग फॉर्मेट है, JPG भी जेपेग होती है, PJPEG भी जेपेग होती है, तो अलग अलग करके 3 बार हमने दे दिया। यहाँ पर और का साइन लगाया, ध्यान दीजिएगा, और का साइन, यानी ये या ये या ये, लेकिन एंड के साथ हमने क्या जोड़ा, आपको याद है मैंने बताया था आपको कि मैं आपको एंड और ऑपरेटर जब हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे तब बताऊंगा। तो यहां पर इसका मतलब ये है, या तो ये ले लें या ये ले लें, या तो ये ले लें, ये तीनों ट्रू है, लेकिन साथ में इन तीनों के साथ एक कंडीशन आप लगा दी एंड करके, ये ट्रू होनी चाहिए, तो जो साइज है हमेशा 20,000 से कम होना चाहिए, 20,000 बाइट है ये, अगर आपको KB में लिखना है तो 20 KB हो जाएगा। अब यहां पर हमने जो पिछला स्क्रिप्ट देखी थी उसको दोबारा उसी तरीके से लिख देंगे, यहां से यहां तक वही स्क्रिप्ट है, ओके। लेकिन हमने एक चीज और जोड़ दी कि अगर ये नहीं होता है तो हम इनवैलिड फाइल कर देंगे इसको। तो ध्यान दीजिएगा जो अलग अलग आपके ये ब्राउजर्स हैं, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं आप कौन सा यूज कर रहे हैं, क्रोम यूज कर सकते हैं आप, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर सकते हैं और फायरफॉक्स, तो क्योंकि जेपेग इंटरनेट एक्सप्लोरर में PJPEG के नाम से जानी जाती है यहां पर, इसलिए हमने PJPEG दिया, जबकि फायरफॉक्स या क्रोम इसको JPEG के नाम से जानता है। अब अपलोडेड फाइल तो आपने कर दी, अब आपको इसको सेव भी करना है। तो जो एग्जांपल हमने देखा, ये एक टेम्पररी कॉपी बनाएगा अपलोडेड फाइल की PHP टेम्प फोल्डर में सर्वर पे, राइट। अब टेम्पररी जो कॉपीड फाइल है ये डिसअपीयर हो जाएगी जैसे ही आपकी स्क्रिप्ट बंद होगी, स्क्रिप्ट खत्म हुई आपकी फाइल गई, लेकिन आपको स्टोर करना अगर है किसी और लोकेशन में और इसको आप चाहते हैं कि ये रिमेन, इट शुड रिमेन देयर, तो ये कोड अभी आपने देखा, ये आप देख चुके हैं। यहां पर हमने एक और चीज डाली, ये लाइन देखिएगा ध्यान से, इको टेम्प फाइल, यहां पर हमने $_फाइल, ये हमें यूज करना है जब हम अपलोड करेंगे, यहां देखिए हर जगह यही यूज हुआ है, हर जगह यही आपको दिख रहा है। इसमें फाइल है टेम्प नेम डॉट, आपने अभी यहां पर नई लाइन दी, इसमें दिया इफ फाइल एग्जिस्ट अपलोड, यहां पर $_फाइल फाइल नाम, और अगर ये अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, नहीं एग्जिस्ट करती है तो डालिए, और अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इसके नाम से मैच कर जाती है, जो भी आपने नाम दिया, आपने नाम दिया मान लीजिए मैं कहता हूं test.txt, अब यहां पर JPEG है तो चलिए test.jpg आप अपलोड करना चाहते हैं, अरे ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, फिर क्या करेंगे आप, वो भी तो चेक कराना पड़ेगा आपको। तो इस लाइन से आप ये करना चाहते हैं कि देखिए साहब अगर कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो यूजर को बताया जाए, यूजर को करेक्टिव एक्शन लेने के लिए आप उनको रिक्वेस्ट भेजें। उसके बाद क्या करें कि जब आप मूव, यहां तक तो ठीक हो गया, अब यह है मूव अपलोडेड फाइल, आप क्या चाहते हैं कि इस अपलोड में ये नाम की फाइल चली जाए, और फिर आप इको कर दीजिए कि देखिए साहब हमने इसको यहां पर इस अपलोड स्लैश, यानी कि ये फोल्डर है अपलोड स्लैश, इस जगह पे इसको स्टोर कर दिया है। अदरवाइज अगर ये चीज नहीं हो पाती है किसी कारणवश तो आप इनवैलिड फाइल का नाम दें, हो सकता है आप गलत फाइल डाल रहे हो। तो ये जो स्क्रिप्ट आपने देखी ये चेक करती है कि क्या फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, अगर नहीं है तो ये कॉपी करेगी आपके स्पेसिफाइड फोल्डर में, जो आप यहां बता पा रहे हैं कि अपलोड फोल्डर है उसके अंदर ये चली जाएगी, राइट। तो ये नया फोल्डर एक
जिसे हम अपलोड कर रहे हैं वहां पर जाके रख दी जाएगी। अब हम एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देख रहे हैं पीएचपी कुकीज का, इन सब का एग्जांपल देखेंगे अभी थोड़ी देर में। पीएचपी कुकीज देख लीजिए, क्योंकि कंटेंट देखिए एक बार आप समझ गए ना इसको तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रैक्टिकल कर लिया उसके बाद हम प्रैक्टिकल के कोड हमने रट लिए, उससे फायदा नहीं होगा। इसके कॉन्टेंट समझिए, इसमें ये हो क्या रहा। जैसे अभी आपने समझ लिया कि हम कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं, फाइल हम रखना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, तो उसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन है डाल सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर कुछ और समझता है, जेपेक कुछ पी जेपेक समझता है वो, बाकी कुछ और समझते हैं। ऐसे अब कुकीज की बारी आई। कुकी मेनली यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है। तो कुकी है क्या? जैसे मैंने बताया, यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए होती है। एक ये छोटी सी फाइल है, ये भी एक फाइल ही है जो सर्वर एम्बेड करता है, इंसर्ट करता है यूजर या बिठाता है कंप्यूटर के, यूजर के कंप्यूटर पे। जब भी वो कंप्यूटर रिक्वेस्ट करेगा पेज किसी ब्राउजर के थ्रू, तो वो कुकी भी भेजेगा साथ में। छोटी सी फाइल होती है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है थोड़ी बहुत, और अभी आप देखेंगे क्या इंफॉर्मेशन होती है। आप पीएचपी से कुकी को क्रिएट भी कर सकते हैं, कुकी को रिट्रीव, जो कुकी की वैल्यूज है उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो क्रिएट कैसे करेंगे कुकी को, उसके लिए हमारे पास फंक्शन है सेट कुकी फंक्शन। ये हम यूज करेंगे सेट करने के लिए कुकी को। तो जो सेट कुकी फंक्शन है ये हमेशा एचटीएमएल टैग से पहले दिखना चाहिए, मस्ट अपियर बिफोर द एचटीएमएल टैग। उसका सिंटेक्स क्या होगा, सेट कुकी या नेम होगा, नेम वैल्यू दिख रहे हैं, एक्सपायर है, पाथ है, डोमेन है इसका। तो एग्जांपल देखते हैं। अभी जो एग्जांपल आप देख रहे हैं ये वाला, ये क्रिएट करेगा एक कुकी जिसका नाम होगा यूजर। इसको हमने नाम दिया एलेक्स पॉटर, आप अपना नाम दे दीजिए। और उसके बाद यहां पर हमने बता दिया किसने कितने समय के बाद ये कुकी, ये छोटी सी फाइल है, अपनी वैल्यू गंवा देगी, यानी कि ये एक्सपायर हो जाएगी। HTML के पहले है, ध्यान रखिएगा, ये HTML के पहले देंगे आप। जो वैल्यू है कुकी की, ये ऑटोमेटिकली URL encoded होती है जब आप इसको भेजेंगे, और ऑटोमेटिकली डिकोडेड जब ऑटोमेटिकली इनकोड हो गई, ऑटोमेटिकली डिकोड भी होती है जब हम इसे रिसीव करेंगे। तो अगर आपको प्रिवेंट करना है URL की इनकोडिंग, तो आप यहां सेट कुकी के बीच में रॉ लगा दीजिए, तो सेट रॉ कुकी के से आप इनकोडिंग इसकी प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम ये भी कर सकते हैं कि एक्सपायरेशन टाइम क्या है, किस समय तक ये कुकी विद्यमान रहेगी। तो उसका तरीका ये है, एक्सपायर टाइम आप यहां पर बता दीजिए। देखिए साहब, एक्सपायर टाइम हमारा इतना होना चाहिए सेट कुकी के अंदर, ये तो हमने देख लिया। यहां पर इस जगह पे, ये जो लास्ट जगह थी जहां पर हमने एक्चुअल नंबर दिया था पिछली बार, वहां पर हम ये डॉलर एक्सपायर वेरिएबल दे देंगे। ठीक, इसका मतलब ये है कि जो टाइम हमने सेट कर दिया कुकी एक्सपायर होगी, वो होगी 60 सेकेंड, 60 मिनट, 24 घंटे और 30 दिन, इतना समय के बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। अब रिट्रीव कैसे करें कुकी की वैल्यू को, उसके लिए हमारे पास PHP underscore ये डॉलर underscore कुकी वेरिएबल है। ये क्या करेगा, रिट्रीव करेगा कुकी की वैल्यू को। तो अब ये एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल में हम रिट्रीव करना चाहते हैं वैल्यू किसकी, एक कुकी जिसका नाम है यूजर, और उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं पेज पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इको प्रिंटिंग के लिए होता है, डॉलर अंडरस्कोर कुकी, यूजर की कुकी को ये लेगा और प्रिंट अंडरस्कोर आर, ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंट अंडरस्कोर आर किसको किया, डॉलर कुकी को। अब ये जो फंक्शन है, इसमें हम ये जो अपने कोड देख रहे हैं, इसमें हमने इज सेट फंक्शन यूज किया। यहां देखिए हम इज सेट कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं क्या वाकई में कुकी सेट है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप नए यूजर हैं। अगर जैसे पिछला जो पोर्टर साहब थे, वो उनके लिए हमने कुकी बना दी थी, अगर वो सेट नहीं है तो आप नए यूजर हुए, पहली बार आप के लिए फाइल कुकी बनेगी। अब आपको डिलीट भी करना है कुकी, तो जब हम डिलीट करना चाहेंगे तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो एक्सपायरेशन टाइम है, डेट है, वो पुरानी है कि नहीं। तो डिलीट एग्जांपल के लिए हम देखेंगे सेट कुकी यूजर, जो भी आप नाम देना चाहें, टाइम -3600। हम चाहते हैं, वी वॉन्ट टू सेट द एक्सपायरेशन डेट टू 1 आवर अगो। हम 1 घंटे पहले का टाइम इसे देना चाहते हैं एक्सपायरेशन के लिए। अब सवाल उठता है कि क्या हर ब्राउजर सपोर्ट करता है कुकी को,
बाय चांस आपका ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता कुकी को, तो अगर आपका एप्लीकेशन उस जगह चलता है जहां पर कुकी सपोर्ट नहीं होती, तो आपको कोई और मेथड यूज करना पड़ेगा ताकि इंफॉर्मेशन एक पेज से दूसरे एप्लीकेशन, मतलब इंफॉर्मेशन को आप भेज सके। तो उसके लिए आप डेटा फॉर्म के थ्रू भेज सकते हैं, फॉर्म और यूजर इनपुट, ये हमने अभी फॉर्म देख चुके हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको याद होगा ये कोड, जैसे ही फॉर्म में वेलकम डॉट पीएचपी एक बनी है, जैसे पोस्ट के थ्रू हम भेजना चाहते हैं नाम और एज, जैसे सबमिट करेंगे, अगर हम रिट्रीव करना चाहते हैं तो हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं वेलकम, ये वाला कोड जो है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये इस पोस्ट मैसेज को जो फॉर्म में गया है उसको यहां से नेम और एज रिट्रीव कर लेगा। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जो हमने अभी सीखा है उसका एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। तो ये हमारी एक बिल्कुल ब्लैंक फाइल है, आपको मैं फिर से बताता हूं कि हमने एक अपने वैम सर्वर में www में एक फोल्डर बनाया है सैंपल्स, और इसके अंदर हमने एक फाइल बनाई जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, test.php कोई भी रख सकते हैं आप, www के अंदर रखिएगा बस, चाहे फोल्डर के अंदर रखें चाहे ना रखें। सैंपल्स के अंदर हम गए, test.php को हमने ओपन किया, ये हमारी बेसिक फाइल है। चलिए शुरुआत करते हैं जहां से हमने PHP फाइल अपलोड लिया था। तो ये कोड मैं यहां से लेता हूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि यहां पर क्या क्या हो रहा है। अब इसमें इस कोड को मैं कॉपी पेस्ट करता हूं। इसमें क्या किया, हमने एक फॉर्म लिया एक्शन, इसमें अपलोड फाइल डॉट पीएचपी, यानी कि जब हम ये कर देंगे तो अपलोड फाइल डॉट पीएचपी में जो भी होगा वो कंटेंट जो भी यहां पर हो रहा है वो अपलोड फाइल डॉट फाइल अंडरस्कोर फाइल डॉट पीएचपी में जो भी कुछ लिखा होगा वो इस पे एक्शन लेगा। मेथड होगा पोस्ट और हम चाहते हैं फाइल को अपलोड करना, मल्टी पार्ट और फॉर्म डेटा, ये इसका एनकोडिंग टाइप है। फिर लेबल हमने किया, हम ये केवल एचटीएमएल की चीजें हैं, लेबल हम लिखेंगे फाइल नेम, उसके आगे आपको आप ब्राउज कर सकते हैं अपनी फाइल को, और उसके बाद हम सबमिट बटन करेंगे। तो ये फॉर्म इस तरीके से हमने बना दिया, बीआर जो है वो एक नए लाइन के लिए है। शुरुआत करते हैं, आप चाहे तो यहां भी दे सकते हैं, जैसे भी आपको सेट करना हो, कंटेंट आप समझ लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपलोड करना चाहते हैं फाइल को। तो मैं इसको कंट्रोल एस करता हूं, सेव, और मैं इसको रन कराने की कोशिश करता हूं अपने ब्राउजर में। तो ब्राउजर में चलाया जाए इसको, ये फाइल नेम आई, चूज फाइल, अभी तक कोई फाइल हमने चूज नहीं की है, तो यहां पर अपने आप इसने दे दिया कि देखिए साहब अपने फाइल चूज नहीं की है अभी, नो फाइल चूज है, लेकिन अब हम फाइल चूज करेंगे और फिर सबमिट बटन दबाएंगे, लेकिन इसमें आएगा एरर, मैं एरर आपको दिखाना चाहता हूं क्यों। इसको हम चूज करेंगे फाइल को, कोई भी फाइल ले लीजिए, और उसके बाद हम सबमिट करेंगे, सबमिट के बाद आपको आएगा एरर क्योंकि अपलोड अंडरस्कोर फाइल डॉट पीएचपी तो बनी नहीं। तो क्या करेंगे, अपलोड डॉट फाइल जरा बनाया जाए, ये वाली फाइल, तो नोटपैड प्लस प्लस में जाएंगे और यहां पर एक फाइल नई बना लेते हैं, इसका नाम हम जो देंगे, चलिए सेव पहले कर लेते हैं इसको कर लेते हैं सेव इस अपलोड अंडरस्कोर फाइल डॉट पीएचपी। तो आपके पास एक टेस्ट डॉट पीएचपी आपने बनाई, एक अपलोड अंडरस्कोर फाइल डॉट पीएचपी बनाएंगे, आप अपना नाम रखिए कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नाम रख सकते हैं आप। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस कंटेंट पे जाएंगे जो इस पे एक्शन लेने वाला है, क्योंकि अपलोड डॉट फाइल डॉट पीएचपी, तो ये क्या करेगा, क्या ये इस अपलोड डॉट फाइल में, मैं इसको पहले कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं फिर आपको बताता हूं हो क्या रहा है इसमें। यहां पर ये क्या कर रहे हैं कि एक फाइल को उठाया हमने, और फाइल को जब लिया तो उसके बाद इन्होंने बताया कि देखिए ये फाइल है, फाइल की पूरी कंटेंट आपको दिखाई देंगे, लेकिन अगर फाइल है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रही, या गलत फाइल है, तो ये एरर भी तो आना चाहिए, ये एरर आएगा, राइट। अब एरर क्यों आएगा, क्योंकि हमने यहां पर बता दिया, अगर एरर नहीं आता है, अगर आपने गलत फाइल दे दी, या ऐसी फाइल दे दी जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, जो फाइल या उसका नाम गलत लिखा हुआ है, या उसमें डॉलर वॉलर लिखे हुए, जो भी कुछ गलत हो सकता है वो यहां पर एरर के रूप में आ जाएगा। लेकिन अगर सब कुछ सही होता है तो यहाँ पर फाइल का नाम दिखाया जाएगा, अपलोड अंडरस्कोर फाइल में फाइल का आपको नाम दिखाया जाएगा, आपको टाइप दिखाया जाएगा, आपको इसका साइज दिखाया जाएगा, और इसका टेम्पररी नाम किस जगह पे स्टोर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब ये टेम्पररीली स्टोर है, इसको जब परमानेंटली स्टोर करेंगे तो उसका तरीका अलग होगा। तो कैसे होगा, मैं इसको कंट्रोल एस करता हूं, सेव करता हूं, टेस्ट डॉट पीएचपी तो हमारा ऑलरेडी है ही, अब इसको दोबारा चलाया जाए, मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूं, कंटिन्यू। तो देखिए अभी एक काम करते हैं, ये तो आ गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको ये दिखाऊं, हमने इमेज टू कर रखी थी, तो अभी हम इसको फिर से क्लियर करते हैं। टेस्ट डॉट पीएचपी में क्या है, चूज फाइल, कोई भी फाइल ले लीजिए, सबमिट करिए, ये आपको बताएगा कि आपने इमेज 4.jpg आपने अपलोड की है, टाइप इसका टाइप इमेज है, ये जेपेग है, इसका साइज ये है 143 करीब KB है ये, और ये इस जगह पे टेम्पररी, देखिए डॉट टीएमपी लिखा हुआ है,
तो वैम सर्वर के टेम्पररी फोल्डर में जाके ये स्टोर हो गया ये फाइल। ओके, अब आप फाइल अपलोड करना समझ गए। अब फाइल अपलोड तो हो गई, अब इसमें हम कुछ चेक कंडीशन डालते हैं, यहां से उठाते हैं और अब हम इसमें क्या चेक कंडीशन डालते हैं मैं आपको बताता हूं। ये अपलोडेड फाइल में चल रहा है सारा, तो यहां पर जाएंगे अपलोडेड अपलोड फाइल में और यहां पर इसको लिख देंगे। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें यह है कि सबसे पहले हम चाहते हैं कि फाइल टाइप आपका क्या हो, इमेज जिफ, उसके बाद आपका है और, देखिए ये और है, ये आपका और है, फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि या तो जिफ हो या जेपेग हो, फिर उसके बाद एक और है जो आपको यहां दिख रहा है, तो इन तीनों में से एक कोई चूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अब एंड है, यहां पर अब आगे आपका एंड, इसका मतलब फाइल साइज इसका इतना होना चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा मतलब 20 KB का फाइल साइज है, मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं ताकि प्रॉब्लम ना आए। अच्छा चलिए प्रॉब्लम पहले दिखाता हूं आपको, फिर इसका साइज बढ़ाएंगे। बाकी सब तो अभी जो कंटेंट हमने देखा वही है कि फाइल में कोई एरर है तो एरर दिखा देगा, नहीं तो फाइल का नाम टाइप साइज टेम्पररी नहीं दिखा देगा या फिर इनवैलिड फाइल दिखा देगा। तो हम चाहते हैं कि इनवैलिड फाइल आए, आई वॉन्ट इनवैलिड फाइल आए, क्यों? क्योंकि मैं जो फाइल अपलोड करना चाहता हूं मैं जानता हूं उसका साइज 20 KB से ज्यादा है, तो आई वॉन्ट यू टू सी दैट दिस पर्टिकुलर कंट्रोल गोज इन इको इनवैलिड फाइल, यहां पर जाएगा। अब इसको रन कराते हैं, दोबारा जाएंगे अपने इस पे, इसको रिफ्रेश करते हैं, इन test.php इसको चलाइए, कोई भी पाव ले लीजिए आप। अब देखिए इसका साइज 124 KB है, अब मैं इसको सबमिट करूंगा तो इनवैलिड फाइल आना चाहिए, बिल्कुल सही आ गया, इनवैलिड फाइल ही आना चाहिए था क्योंकि मैंने साइज इसका कंस्ट्रेंट किया हुआ है। अब मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ, कितनी बढ़ा दीजिए, केवल आपको एक्सप्लेनेशन पर्पज से है। अब मैंने इतना बढ़ा दिया है कि अब मेरी ये फाइल ले लेगा, अब मुझे ये दिखना चाहिए, मैंने केवल यहां पर 2 ज़ीरोज़ बढ़ाए हैं और कुछ नहीं किया है, राइट? तो मैं इनको सेव करना ना भूलूं, इनको सेव कर लूं, ये भी टेस्ट तो इसमें कोई चेंज नहीं किया तो इसको सेव्ड ऑलरेडी है। अब मैं दोबारा आपको ब्राउजर पे ले जाता हूं और यहां पर ये इसको रिफ्रेश करते हैं, चूज फाइल करते हैं, कोई भी फाइल चूज कर लीजिए, अब तो अब कोई दिक्कत नहीं है, हमने साइज इतना बढ़ा दिया, सबमिट करेंगे, ये आपको साइज वगैरह सब दे देगा जो भी कॉन्टेंट दिखा रहा था, लेकिन अभी भी ये टेम्प है, राइट? अब हम क्या करते हैं कि हम इसको ले जाते हैं अपलोडेड फाइल को और हम यहां पर प्रॉपर टाइप दे रहे हैं, जैसे पीजेपीईजी मैंने आपको बताया था, यहां पर हम इसको स्टोर कराना चाह रहे हैं परमानेंटली। अभी तक क्या था, अभी तक तो ये जाके टेम्प में स्टोर हो रहा था, जो www की टेम्प फाइल थी, टेम्प डायरेक्टरी थी। मैं यहां से ये कोड लेता हूं, इसको समझाता भी हूं आपको और यहां पर लेके जाता हूं, ये सब कोड आपको अवेलेबल रहेगा, कोई भी इसमें परेशानी की बात नहीं है। फिर हम यहां पर जाएंगे और अगला जो कोड है वो ले लेते हैं, ये पूरा कोड मैं आपको समझाता हूं। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि यहां तक तो हमने समझ लिया था कि जिफ जेपेग पीजेपेग और ये इसका साइज, तो दो और बढ़ा दीजिए इसको ताकि हमें प्रॉब्लम कोई ना आए। फिर हम देख रहे हैं कोई एरर आए तो ये रिटर्न करेगा कोड, देखिए साहब ये एरर है फाइल में, ये फाइल सही नहीं है। उसके बाद आप बताएंगे नाम टाइप साइज, इसको प्रिंट करा देंगे। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये है, इसको ध्यान से देखिए, ये है कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है अपलोड फोल्डर में, ध्यान दीजिएगा अपलोड फोल्डर अभी नहीं है उसमें, तो अभी एरर आएगी, मैं आपको एरर दिखाना चाहता हूं, उसके बाद इसको चेंज करूंगा, आपको पता लगना चाहिए कि यहां प्रॉब्लम क्यों आई और हमने इसको कैसे ठीक किया। तो अपलोड में तो है नहीं, यहां का फाइल अगर नाम है और ऑलरेडी आप वो फाइल अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो ये बोलेगा कि साहब आप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, आप दूसरा फाइल लीजिए या उसका नाम चेंज करिए। और उसके बाद ये काम जब हो जाए आपका, तो आप चाहते हैं कि ये फाइल टेम्पररी की जगह परमानेंटली स्टोर हो जाए और आपको दिखा दे कि साहब ये कहां स्टोर हो रही है। तो ये मूव अपलोडेड फाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फंक्शन से ही आपकी फाइल इस जगह पे जाके परमानेंटली स्टोर हो जाएगी या फिर इनवैलिड फाइल आएगा। तो मैं आपको ये रन करा के दिखाऊंगा और अभी आपको एरर आएगी इसमें, और एरर जो आएगी मूव अपलोडेड फाइल में आनी चाहिए। देखते हैं, मैं फिर से जाता हूं test.php में, इसको रिफ्रेश करते हैं, रीलोड, चूज करेंगे फाइल को, कोई भी फाइल इसमें से चूज कर लीजिए और उसके बाद सबमिट करिए। तो यहां पर एरर आ गई, मैंने आपसे कहा था कि एरर आएगी और वो टेम्पररी में जाके स्टोर हो गई है, लेकिन यहां पर मूव अपलोडेड फाइल में तो एरर आ गई, फाइल तो आपकी स्टोर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, उसके बाद के कोड में दिक्कत हुई है। और दिक्कत क्यों हुई है ध्यान दीजिए, मैं आपको ले जा रहा हूं अपने फोल्डर में www, क्या आपको यहां पर कुछ ऐसा दिख रहा है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है टेम्प नाम से? इट इज नॉट देयर। अब मैं क्या करूंगा, ये पूरा पाथ कॉपी करता हूं, मैं इसको अपलोड करना चाहता हूं सर्वर में, यानी कि वेब सर्वर में, मैं अभी वेब सर्वर में ही हूं, तो मैं इसको कंट्रोल सी करता हूं, मैं इसी पाथ पे आपको वो वाली फाइल दिखा दूंगा। तो वहां पर हम जाएंगे अपने कोड पे और
इस एरर को दूर करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जहां जहां आपकी ये वाला फोल्डर है, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता इसीलिए इसने एरर दिया है, तो मैं आपको ये बताऊं पहले होता क्या है। जब हम इसको पेस्ट करेंगे विंडोज से, जब हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे इस पाथ को, तो ये स्लैश जो है उसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। यानी कि ये करेंगे आप, ये करेंगे, यहां पर चेंज करेंगे आप, यहां पर चेंज करेंगे आप, अब आपका पाथ बन गया। अब जहां जहां आपको अपलोड दिख रहा है, कट कर दिया मैंने, कहां कहां अपलोड दिख रहा है, यहां दिख रहा है पेस्ट कर दीजिए, यहां दिख रहा है पेस्ट कर दीजिए, यहां दिख रहा है पेस्ट कर दीजिए, ये पार। अब इसको एक वेरिएबल में डाल के करना, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ये अच्छा तरीका नहीं है कि आप इसको इस तरीके से हार्ड कोड कर दें, ये बिल्कुल भी अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है। आपके केवल जानने के लिए कि हमने अपलोड में डालने की कोशिश की जो कि एग्जिस्ट नहीं करता था, तो एरर आ गई। अब इसमें देखते हैं कि कोई एरर आती है नहीं आती, और आती है तो उसको दूर करें। सेव कर रहा हूं मैं इसको, फिर से चला रहा हूं। चूज फाइल, कोई भी फाइल चूज कर लीजिए, सबमिट करिए। देखिए साहब, अब ये आपकी फाइल टेम्पररी तो यहां स्टोर है, लेकिन अब ये आपने कहां स्टोर कर दिया, सैंपल्स में जाके। क्या हम चेक करें सैंपल्स में जाके? बिल्कुल करेंगे। सैंपल्स में जाइए, यहां पर आपने जो फाइल अपलोड की है भी याद, जस्ट नाउ। तो ये तरीका है आपके फाइल को अपलोड करने का। फाइल अपलोड आप सीख गए। अब चलिए कुकीज पे आते हैं। कुकीज भी हमने आज पढ़ी, ये सेट कुकी हमने फंक्शन पढ़ा था। थोड़ा सेट कुकी ध्यान रखिएगा, जब भी आप सेट कुकी करेंगे तो ये यहां पर आपको एचटीएमएल के ऊपर लिखना पड़ेगा। तो अभी हमें अपलोड फाइल की जरूरत नहीं है, इसी में कर लेते हैं। इसको कॉपी करता हूं मैं, और यहां पर जाके हम अपने किसमें करेंगे, ये वाले में test.php। यहां पर इन सबको हटा देता हूं, और जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि हम इसको रखना चाहते हैं, और हम रखेंगे भी एचटीएमएल के ऊपर, यहां रखेंगे। तो हमने एक स्टेप कुकी कर दी यूजर। आपका नाम मान लीजिए, आपका नाम है, कॉमन नाम ले लेते हैं, अमित अजय इस तरीके से, तो अमित हो गया। और टाइम इसका 3600, इसके बाद ये इसकी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। अब मैं इसको चलाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि कुछ होगा नहीं, केवल सेट कुकी होगा। फिर भी मैं आपको चला के दिखा देता हूं कि कोई एरर नहीं आ रही है। यहां पर जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक, कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि केवल सेट कुकी हुई है। अब सेट कुकी के बाद हम चाहते हैं एक्सपायरेशन टाइम, ये भी मैं आपको बताऊंगा एक्सपायर कब करेगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम कुछ प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, लेट अस प्रिंट। तो इस प्रिंट में हम ये देखते हैं, पहले मैं प्रिंट करा के दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या है। ये कंटेंट लेते हैं, हमने क्या किया यहां पर, तो सेट कर दिया, यहां पर सेट कर दी ये सेट कुकी। अब हम अंदर जाते हैं, अब अंदर जा रहे हैं, पहले तो सेट करने के लिए एचटीएमएल के ऊपर लिखना पड़ेगा। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि देखिए साहब, कुछ अगर सेट हुआ है तो हम इस कुकी के यूजर को प्रिंट कर देंगे, है ना। और अगर आप जानना चाहते हैं कितनी कितनी कुकीज हुई है, तो आप प्रिंट अंडरस्कोर आर कर सकते हैं, जितने भी आपने कुकी यहां पर की हुई है, है ना, एक से ज्यादा भी तो कर सकते हैं। अब हम इसको रन कराएंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ दिखेगा, अमित साहब दिखने वाले हैं आपको। तो मैं इसको रिफ्रेश कराता हूं, तो ये आपका अमित एरे, इसमें कितना है यूजर है आपका अमित। अमित का एक जो एरे है, यानी कि आपने यहां पर केवल सेट किया है एक को, एक से ज्यादा कर देंगे तो आपको वहां पर और भी नाम दिख जाएंगे। तो प्रिंट आर जो है ये बताता है कि कौन कौन से आपने नेम यूजर पेयर सेट किए हुए। ये काम हो गया। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा और करते हैं, अगर मान लीजिए सेट है, इस सेट फंक्शन में यूज किया, अच्छा ये यहां पर हम लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम एचटीएमएल पीएचपी में करेंगे तो हमको ये पूरा कोड लेना पड़ेगा पीएचपी का, राइट, ताकि ये बॉडी में मिले। अब बॉडी यहां से यहां तक तो बॉडी है, ठीक। अब हमने क्या किया कि सेट कुकी कर दिया यूजर अमित, अमित का नाम का यूजर आपके सेट कुकी हो गया। यदि ये कुकी सेट है यूजर की, इस यूजर की कुकी सेट है, तो ये साहब बोलेंगे वेलकम अमित, या अगर ये सेट नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, वेलकम गेस्ट। मैं इस लाइन को अगर हटा देता हूं, इस पूरे कोड को हटा देता हूं, तो मेरे पास वेलकम गेस्ट आना चाहिए, और इस लाइन को रखता हूं तो मेरे पास वेलकम अमित आना चाहिए। मैं वेलकम अमित करके दिखाता हूं, कंट्रोलेस करिए, कोई एरर होगा तो दूर करेंगे। इसको रिफ्रेश करता हूं, वेलकम अमित, समझ गए ना आप क्या हुआ। फिर आगे ये एक्सपायरेशन टाइम है, इसको आप सेट कर सकते हैं, एक्सपायरेशन टाइम है ये। अगर आप कुकी से नहीं करना चाहते हैं तो फिर ये आपका जो मैंने फॉर्म का तरीका बताया था, वेलकम डॉट पीएचपी बनाइए, नेम एक भेजिए, और ये कोड में पीएचपी इको करके पोस्ट करके आप इसको दिखा सकते हैं। तो ये आज बात रही हमारी, हमने दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सीखी, किस तरीके से फाइल हम अपलोड करते हैं और किस तरीके से कुकी सेट करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।